बात करूं या नहीं। मुखी जी आप उठिए। सच सच बोलिए, हमारे बीच जो उम्र का फर्क है ये बात क्या आपको परेशान करती है? बार बार ये सवाल क्यों करती है? कि मैं आपकी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं हूँ। मतलब तू छोड़ेगी नहीं? बिल्कुल नहीं। तू सच्चाई जान के ही रही? हाँ। वो एक बात है जो मैंने अब तक तुझे बताई नहीं। क्या बात है? मुझे एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? मुझे दमा है। दमा? मैं धीमे बोल, धीमे बोल। वो सांस चढ़ती है। अरे वो मुझे पता है। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? गर्मा गर्म चाय हाजिर है। अरे मुझसे भी जल्दी उठ गई। क्यों, सिर्फ आप मेरा ख्याल रख सकते, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती? लेकिन तू मेरा ख्याल क्यों रखेगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कल रात ही तो आपने कहा ना कि आपको वो दमा है। वो मैं किसी को बताता नहीं, ने तो मैं ही भूल गया। पर मैं नहीं भूली, मैंने तो यह कर लिया है कि आपका दमाग ठीक करके ही दम लूंगी। मैंने ना पहले ही तरीके देखे थे टीवी पर दमा ठीक करने के, जो मुझे याद आ गए। पहले अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को बंद करो और अपने बाएं हाथ की पहली उंगली से दाई नासिका बंद करो और जोर से सांस बाहर निकालो। पूरा भरोसा है, तूने यही देखा था? हाँ बिल्कुल, 10 बार करने। भूखे पेट, चलिए शुरू करते। आइए। आसन किए नहीं है आपने अच्छे से, पर आज के लिए माफी लीजिए। तो ठंडी हो गई है अभी, गर्म। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बात है, मैं पी लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं पी लूंगा, छोड़ छोड़, मैं पी लूंगा। तो पीपल के पेड़ के पास अच्छा सिग्नल आता है ना, एक काम करती हूँ इंटरनेट पे जाके और वीडियोस देख लेती हूँ। एक काम करे क्या, शहर जाके अच्छे से डॉक्टर को दिखाए? नहीं नहीं, बच्ची की दवाई ना कमाल कर रही है, कोई जरूरत नहीं। तो कहाँ रखते हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं रोज दिया करूंगी आपको। अरे वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। अच्छा हुआ याद दिला दिया, वैद्य के पास जाके एक महीने की खुराक लेके आनी है। तो जल्दी से लेकर आइए, फिर मेरी जिम्मेदारी, मैं रोज दिया करूंगी आपको। अरे वो शौचालय का काम शुरू होने जा रहा है, तू देखने नहीं चलेगी? हाँ? मैं तो देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी, पर आप चलिए, मैं बाद में आऊंगी, मुझे मम्मी से फोन पे बात करनी है।
अपना ख्याल रखना। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते, मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपकी आवाज से लग रहा है आप परेशान हैं। वो दरअसल ना, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि धर्मी का फोन आया था क्या बेटा? नहीं, क्यों? बेटा उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ दिनों पहले उसका फोन आया था ये बोलने के लिए कि वो अंशुल के साथ है और खुश है, और उसी नंबर पे मैंने फिर से बात की थी उससे, पर अभी पिछले 15 दिन से कोई बात नहीं हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है अरु। देखिए मम्मी, आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ। नजर ना लगे मुखी जी आपकी सेहत को। काका मेरी सेहत को क्या होगा, मेरी सेहत का राज गांव की ताजी हवा और घर का बना शुद्ध घी। ठीक, जरा मुखी जी को कोई देख के बोलेगा कि 43 के हो गए हैं और तू 22 का है, तेरे से दुगनी ताकत है इनमें। अरे काका, इसका शेर आना जाना कम करो, ये शेर की हवा है ने, आदमी को अंदर से खोखला बनाती है, कमजोर बनाती है। इतना बड़ा झूठ, कमजोरी है, दमे की बीमारी है, बूढ़ा हो चला हूं। बहुत बड़ा पंगा लिया है अपने मुखी जी, वो भी अरु से। अब देखना। मस्ताना भाई, हुकुम ज्ञानी भाभी, जाके गांव वालों से बोल दो मुखी जी और मैं इस साल सावन के उत्सव में भाग लेंगे। पर मुखी भाई ने तो मना किया है ने। पर तुम्हारी मुखियानी भाभी तो हाँ बोले छे ने, जाके बोल दो गांव वालों से सावन के उत्सव में गांव का नवेला जोड़ा जरूर हिस्सा लेगा।